नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चार्टर्ड ट्रेड में। चलिए आइए थोड़ा क्विकली अपने जो वीकली मोमेंटम पिक्स के वीडियोस देखे थे उस पर एक अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी इम्पोर्टेंट एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो अपने वीकली मोमेंटम पिक्स में इस हफ्ते मैंने दिया था कीटेक्स गारमेंट और जेंसर टेक्नोलॉजीज़। तो आप जैसे देखोगे मैंने वीकली मोमेंटम पिक्स में वीडियो में बताया भी था कि किटेक्स गारमेंट में वीकली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम बहुत बड़ा कंसोलिडेशन 3 ईयर्स का हुआ था, जिसको कि ये ब्रेकआउट दिया है। अब इम्पॉर्टेंटली इसने अपना पहला टारगेट तो अचीव कर लिया शॉर्ट टर्म मोमेंटम पिक्स के लिए, जो इसके 170 के करीब के टारगेट्स थे। कल तो इसने एक अपर सर्किट 20% का दिया, सारे सब्सक्राइबर्स और सारे क्लाइंट्स अच्छे से इंजॉय किए, बहुत सारा कमेंट्स आया, बहुत सारा मैसेज आया। अब सब पूछ रहे हैं कि सर अब इस लेवल के ऊपर क्या करना है। तो दोस्तों अगर आज किटेक्स गारमेंट ऊपर खुलता है एंड इट सस्टेन्स अबव 170-175 लेवल, तो आप ये 200 EMA देख रहे हो, ये फिर ये सपोर्ट बन जाएगा इसके लिए। 140 के लेवल्स इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, 138-140 लेवल्स इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। और रैदर से कि ये अगर ऊपर खुल गया तो ये नेक्स्ट टारगेट 221 और उसके बाद 270 के टारगेट के लिए ओपन होता है। बट हो सकता है ये एक साथ भी हो जाए, हो सकता है ये इसके ऊपर थोड़ा सा जाके वापस रिटेस्ट करे इस सपोर्ट को, एंड देन दिस वन, देन अगेन अ बिट रिट्रेस, देन अगेन अ ब्रेकआउट, देन अगेन अ रिट्रेस, देन अगेन अ टारगेट। तो किटेक्स गारमेंट में आप लोग होल्ड करिए टिल इट डजेंट ब्रेक्स दिस 138-140 लेवल्स। ये ब्रेक नहीं करता है, जो आपका एंट्री जोन है, जो मेरा स्टॉप लॉस जोन था, इस लेवल को होल्ड करिए एंड वेट कि इस लेवल के ऊपर दे, तब आप एंटर करिए एंड अगेन गो फॉर ए 20-30% 40% अपसाइड मूवमेंट इन किटेक गारमेंट्स। सेम मूवमेंट जिनसार टेक्नोलॉजी में होने वाला है दोस्तों। जिनसार टेक्नोलॉजी को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। आप जैसे देखिए दिस इज जिनसार टेक्नोलॉजीज वीकली चार्ट। आप जैसे देखोगे इसका 2018 का हाई था 349.70। इसने मार्च में भी हाई बनाया 348 का, अभी रिसेंट में भी 5 जुलाई को इसने हाई बनाया 348 का। जस्ट दिस टॉप शुड बी टेकन आउट। ये टॉप आउट होता है ना, आपको भी जेंसर में भी 20-30% का एकदम अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा एंड दैट विल बी टू फास्ट। तो कीप दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट। कल जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स थे उनको मैंने शंकरा बिट कॉल दिया था इंट्राडे में, यू विल बी अमेज्ड कि कल इसने क्या सुंदर प्रॉफिट दिया। देखिए आपको देखिए शंकरा, देखिए दिस वॉज इट, इट वॉज टेस्टिंग दिस रेजिस्टेंस जोन्स एंड रिट्रेसिंग। कल जब इसने ये 485-485 के ऊपर का लेवल का कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा, सी वेरी इट वॉज लॉक्ड, वंस इट वॉज लॉक्ड इन अ सर्किट ऑफ 20% शंकरा बिल्ट। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, यू जस्ट फील लाइक कि द मोमेंटम हैज जस्ट स्टार्टेड। सी वीकली चार्ट सी this was the levels 516 in weekly chart, it is a breakout. Now you can see the levels of 660 or might be towards 200 EMA of 715 also, a very good value. और एक दोस्तों आपको याद होगा मैंने इगार्शी मोटर दिया था कुछ दिन पहले, वीडियोस अगर जिन्होंने देखा होगा लास्ट वीक के लास्ट वीक का, तो उसमें मैंने इगार्शी मोटर्स दिया था। नाउ यू सी, मैंने बार बार बोला था कि इगार्शी मोटर 525-30 के ऊपर में, इगार्शी मोटर 500 के स्टॉप लॉस पे इट विल बी अ गुड बाय। कुछ दिन ये नहीं चला, टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल्स और ये गिरते चला गया, बट सपोर्ट को भी इसने नहीं तोड़ा एंड वंस इट वेंट देयर फर्स्ट ब्रेकआउट देकर फिर रिट्रेस किया, फिर नेक्स्ट डे किया, देन सी इट हैज केम नियर टू द टारगेट ऑफ 590। कल इसका हाई 581 समथिंग का था, अ सुपर रिटर्न ऑफ 11-12% इन इगार्शी मोटर ऑल्सो। तो दोस्तों ये जस्ट कुछ नहीं है, डिमांड सप्लाई जोन को अपने स्कोप आउट करते हैं, उसको अपने खोजते हैं कि कैसे डिमांड सप्लाई जोन को अपने यूज़ करें एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द मैजिक। अब अपने बात कर लेते हैं निफ्टी में फटाफट। जैसा कि आप लोग देखोगे दोस्तों
निफ्टी अभी भी अपने रेंज को तोड़ने के लिए दोनों वर्ड के बीच में घूम रहा है। निफ्टी रैदर भी से कहे कि निफ्टी एक कॉन्सोलिडेशन फेज पे चला गया है, नाइदर इट इज़ ब्रेकिंग अपवर्ड रेजिस्टेंस नॉर इट इज़ ब्रेकिंग द सपोर्ट ऑफ 550। दोस्तों ये जिस तरफ भी होगा नाउ द ब्रेकआउट, जिस तरफ भी जो ब्रेकआउट होगा 400 टू 500 का मूवमेंट होगा। एज यू कैन सी सी ये इस जोन पे निफ्टी निफ्टी इस जोन पे कंसोलिडेशन पे चला गया। अब अगर ये इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो ये 16,400 के लिए भागेगा, और अगर इस जोन का सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है इधर के लिए आएगा 15,042 के लिए। तो ये निफ्टी का एक रेंज ब्रेकआउट हो गया है। आप हायर एंड पे जाइए, यहाँ पे लॉन्ग मत करिए, नीचे सपोर्ट के पास मिलता है ये कोर लॉन्ग, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ तक जाए बेच दीजिए विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। जिस तरफ भी रेंज का ब्रेकआउट होगा यू विल गेट अ मिनिमम रिटर्न, मिनिमम मूवमेंट ऑफ 500 पॉइंट्स, 400 to 500। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। द सेम थिंग इज बैंक निफ्टी, जैसे देखोगे बैंक निफ्टी भी इस रेजिस्टेंस पे अटक चुका है। दिस इज का जोन, यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी अटका पड़ा है। अब बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर चलते हैं 36,000 के ऊपर तो 36,500, 37,250 द रेंज इज ओके। एंड नाउ इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स बिलो 34,400 और रैदर से 34,900, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे स्पाइक करके सपोर्ट्स ले रहा है, देन आई डोंट नो इट कैन कम टू 33,900 ऑल्सो। दोस्तों बी केयरफुल विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं बनता है तो बैंक निफ्टी से तो दूरी रहिए, ठीक है। आपको अगर कोई स्टॉक्स की क्वायरीज हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई दूंगा। जैसे मेरे फ्रेंड ने कमेंट में लिखा था कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, तो मैं थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक में भी चर्चा कर देता हूँ। एज यू कैन सी कोटक महिंद्रा बैंक, ये कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट, एज यू कैन सी इट इज़ ऑन अ बियरिश मूवमेंट। अब ये 200 EMA के पास अटका पड़ा है, नाइदर इट इज़ गोइंग अप नॉर इट इज़ गोइंग डाउन, और रैदर यू कैन से कोटक महिंद्रा बैंक जो है दिस जोन्स, यहाँ पे अटका पड़ा है 200 EMA। तो यू नीड अ क्लियर कट ब्रेकआउट इन कोटक महिंद्रा बैंक टू बी ऑन द ट्रेडिंग साइड। आप वीकली चार्ट देखोगे, लेट्स सी वीकली, MACD नीचे आ गया है बट अभी तक MACD में बुलिश क्रॉसओवर हुआ नहीं है। एंड वीकली चार्ट में 1683 दिस जो दिस जोन्स, एज यू कैन सी दिस जोन, दिस जोन इज ए वाइटल सपोर्ट फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। अभी इसको ये जोन में सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, रादर से इट इज इन ए कंसोलिडेशन फेज, लेट इट ब्रेक पास्ट दिस हाई 750 और लेवल सो दैट यू कैन गेट ए मोमेंटम ऑफ 1550। बट अभी दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में वेट करिए, लेट इट गो क्लोज अबव 1750 सो दैट द डाउन ट्रेंड और द साइडवेज ट्रेंड गेट्स निगेटेड एंड देन यू एंटर ऑन टू इट। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूं और आपको और प्रॉफिटेबल आइडियाज़ देते रहो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए